हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूँ अक्षय कुमार। एंड कैसे हैं आप लोग? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना आर्ट किट शो करने वाला हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इस काइंड की वीडियो बना रहा हूँ। सच अ लॉन्ग टाइम हैज़ बीन गोन, चला गया बहुत दिनों बाद। लेकिन मेरा दिल से मन कर रहा था कि हाँ कुछ शूट होना चाहिए इस टाइप का भी, तो मैंने सोचा कि लिटिल बिट छोटे छोटे से हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं इस चीज़ का। कुछ चलिए हम स्टार्ट। और गाइस, मैं इस वीडियो के बाद मैं कुछ थोड़ी सी मेरी पिछली जो स्टेशनरी की वीडियो पे कमेंट्स आई हैं वो मैं पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे खोलते हैं। तो ये है, जैसे छोटे बच्चे नहीं ऐसे करते हैं वैसे तो आप इसे ऐसे करते हैं। कहीं लेके जा रहा हूँ मैं तो ऐसे मोस्ट ऑफ द लाइक अ लेडीज पर्स और अजीब बोल जाते हैं। अगर आपका आर्ट का पेपर है तो इट इज़ अ बेस्ट आइटम टू गो इन द स्कूल विद इट। तो मेरा वैसे आर्ट का पेपर, एक चीज़ और बताऊँ, मेरा अब आर्ट का एक भी पेपर नहीं है मेरी लाइफ में। इन माई होल लाइफ देयर इज माई नो आर्ट पेपर। आई मिस इट। आई ओपन इट, मेरा तो आर्ट का पेपर नहीं है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है आर्ट की, मतलब कि 8th पास है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखता हूँ कि आई एम 8th पास विद 88.1% मार्क। सबसे पहले इसमें आती है सबसे नीचे रखी हुई आर्ट की बुक। ये है सारा डोम्स का सामान, क्योंकि है डोम्स किट। तो एक छोटी सी बुक आती है जिसमें हम ड्रोन करते हैं, बिल्कुल खाली पड़ी है, मैंने इसमें कोई ड्रोन नहीं करा। इसमें इंडेक्स लिखा है, मुझे ना वे बहुत पसंद है। यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलते थे। मैं ये सोचता हूँ अगर अगर मैं बनता हूँ 1% या बाई चांस आर्ट का टीचर, तो मैं जो इसकी पहली बार तो मैं सर्टिफिकेट वाली कॉपी यूज़ करवाऊँगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि फिर तो एक क्लास का थोड़ी बनता है, जैसे 6th 7th 8th का बनता है बंदा, तो फिर तो भैया मैं तो 6th 7th 8th का, जब तुम 6th से 7th में आ रहे हो तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखा के, और सर्टिफिकेट के हिसाब से कॉपीज। अब जैसा हो रहा है कि CBSE में कि वो कि आपका पूरा साल देखा जाएगा, फिर आपको जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम मिल रहे हैं मार्क्स मिल रहे हैं, कि आपको पूरा साल जैसा देखा जाता है ऐसे मैं उस सर्टिफिकेट को देख के। और 50-100 मार्क्स का एक आर्ट का पेपर रखूँगा, जिसका 100 या आप मान लो 80 मार्क्स जितने आपके, और कुछ मार्क्स आपकी क्लास के इंडिपेंड उसके आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो पूरा सर्टिफिकेट में जैसा है उसमें जो ग्रेड मिलेगी उस टाइप की, और आपका एग्ज़ाम वर्किंग का अलग ग्रेड। ऐसा मैं चाह रहा हूँ अपने हिसाब से, नॉट मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक टीचर यही करे, बट आर्ट में लिटिल बिट हो सकता है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो जाए आगे की। ये भी सोचें चलो ऐसा हमारा आर्ट में होता था, जो अब हमारा सभी सब्जेक्ट में ऐसा, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, और मैं कुछ नहीं कह रहा। नेक्स्ट है हमारा वाटर कलर ट्यूब्स। ट्यूब्स कलर आए हैं, मैं आपको ट्यूब्स कलर भी शो कर देता हूँ। ये मुझे जिसने दिए हैं वो आपने मेरी वीडियोस में देखे हैं, आर्नी शर्मा, आर्नी, हाँ आर्नी वर्ल्ड ट्यूब कलर, ये आर्नी ने दिए हैं। तो ट्यूब कलर है और नीचे ब्रश है, मुझे बहुत अच्छे लगे ट्यूब कलर्स हैं। मैंने 6th 7th 8th जब तक मैंने आर्ट पढ़ी, जब तक मैंने एक बार भी ट्यूब कलर नहीं खरीदे। जैसे ही मेरी आर्ट छूट गई मुझे ट्यूब कलर्स मिल गए। क्या आप मुझे पहले नहीं दे सकती थी आर्नी? चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले से दे नहीं रहा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब तो मेरी आर्ट छूट गई है, मेरी आर्ट तो होगी नहीं, लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए ये बेशक कहा है कि हाँ मेरी आर्ट है अब भी, क्योंकि फिर वे सोचती कि हाँ भैया आर्ट नहीं है तो मेरा गिफ्ट ऐसे हो गया। बट कोई बात नहीं यार, ये बहुत अच्छा है, प्लास्टिक का ही वैसा आता था, अच्छा है। ब्रश भी महंगा है, महंगा ब्रश है, महंगा सामान दिया है, मतलब कि
लोकल जिसे कहते थे वो नहीं है, टॉम्स वाला ना बहुत अच्छा दिया है, टॉम्स का अच्छा लग रहा है मुझे। टॉम्स, दिस वीडियो इज नॉट इंस्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है तो बर्थडे गिफ्ट स्टेशनरी इसके नीचे का मैं टॉपिक रखूँगा। तो आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा, मेरा आज के दिन 20 तारीख में ही बर्थडे था, आज के जो आज है बट लास्ट मंथ ये हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर पेंसिल, पेंसिल और इसके अंदर का पेंसिल्स आती हैं ये डॉम्स की, मुझे डॉम्स की पेंसिल लिखना पसंद है, मैंने ये यूज़ करने के लिए निकाल रखी है और इसका इरेजर शॉपनर मैंने जो है वो निकाल लिया है। नेक्स्ट है आर्ट प्लेट, आर्ट की प्लेट है ये, तो आई ऑल्सो लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आई है। सो ये क्या है, ये इसमें भी यार महंगा वाला ब्रश है, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, महंगा वाला सस्ता वाला, और ये ना खुलती है, तो सच्ची बात ये है कि जब ऐसे आते हैं ना तो प्लेट्स खुलती नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ देते नहीं है खोलने खोलने का, तो इसमें खोलने के लिए दे रखी है जमा, तो इट इज़ अ नाइस, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट है दिस ऑयल पेस्टल, ऑयल पेस्टल कलर्स, पहले पता मेरे जब तक 6th 7th 8th क्लास रही, मैं फिर बोल रहा हूँ मैंने कभी भी ऑयल पेस्टल कलर्स नहीं लिए। एक बार 6th क्लास में ऑयल पेस्टल का वर्क आया था तो मैंने अगर मैम देख लेंगे, मैंने क्या नाम, मेरी क्लास में एक लड़का हो रहा है उसने ना, मैंने उसको पता था कर रखा था, तो उसने इन कलरों से वैक्स कैरी ऑन वैक्स कलर से हमने पूरी आर्ट की मतलब कि जितना भी ऑयल पेस्टल का वर्क था सारा हमने उससे कर दिया वैक्स कलर से, मैम को पता नहीं चला, मैम ने चेक कर दिया, तो मैंने कभी यूज़ नहीं करे, भले से अब है मेरे पास 9th क्लास में, मेरे पास पूरी एक किट रखी है, मैं लाया था अभी पूरी एक किट, वो मैंने शो करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको उसका। तो नेक्स्ट है बैक्स कैरी ऑन, मैंने कल इससे बहुत रात लो कलर कर रहा था बिकॉज कल मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बारिश हो रही थी तो मैंने रात कलर करे, ये कलर बहुत, ये मोटे कलर है, महंगे है ऐसे यूज़ मत ना, मोटे कलर है। ये है कलर्स। नेक्स्ट है हमारा स्केच पेन है, ये मैं अभी मेरे पास रखे हैं मेरे पुराने स्केच पेन, तो मैंने अभी इसमें से सिर्फ बैक्स कलर यूज़ करे हैं, ये रहे स्केच पेन पूरा नया पैकेट रखा है अभी ये एक्टिविटी में, वैसे तो स्केच पेन बैक्स कलर तो हर जगह यूज़ आ जाते हैं, स्केच पेन बैक्स कलर की नो प्रॉब्लम, ऑयल पेस्टल थोड़े डार्क होते हैं, वाटर कलर ये पेंसिल कलर है। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल कलर, ये भी डायग्राम्स में यूज़ हो जाएगी, मैं देख सकता हूँ कितना डायग्राम, लेकिन भैया रहते हैं डायग्राम तो आ जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं है। मैंने छोटी छोटी क्लासों में यूज़ करे हैं पेंसिल कलर, मैंने फिर पेंसिल कलर लेने एक बार बंद कर दिए थे, पेंसिल कलर्स मुझे पसंद बहुत है मैंने, लेकिन लेने बंद कर दिए थे, मुझे दिल से बहुत, मुझे दिल से मुझे कलर बहुत, कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आया था ट्यूब कलर के साथ, एक जब मैंने इसे खोला था तो ऐसा करके पैक्ड आया था एक ट्यूब कलर के साथ, तो क्या नाम, ये प्लेट है। नेक्स्ट हमारा हम आपको शो कर देते हैं, शो आई विल शो इट, सो ये एज अ प्लेट है और इसके अंदर बचे हुए कुछ पेंसिल्स हैं, ये यार निकल गई पेंसिल, तो ये इसमें ब्लैक ब्लू पेन भी रखा, पता नहीं कैसा,
अभी ये हमारा बाकी का खाली बैग। सो गाइस इट इज़ अवर माई वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाइएगा। गाइस अगर आज और कोई वीडियो ना आ पाए तो आप सोचेगा इनका नेट नहीं है, नेट की वजह से नहीं आ पाई। बाय बाय टाटा।